विद माय न्यू वीडियो। तो ये मेरी एक अनबॉक्सिंग वीडियो होगी जो कि होगी एक गेमिंग माउस की, सॉरी वायरलेस गेमिंग माउस की, क्योंकि नॉर्मल जितने भी गेमिंग माउस मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो सारे वायर्ड होते हैं, मोस्ट ऑफ देम वायर्ड होते हैं। एंड और ये जो माउस है ये लॉजिटेक का है, और ये माउस आपको थोड़ा सा हाइयर साइड पड़ेगा इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ माउस इन बिटवीन 10,000 to 14,000 DPI। तो ये थोड़ा सा हाइयर साइड पड़ेगा ड्यू टू द वायरलेस फंक्शनैलिटी। एंड इसको अभी ओपन करते हैं। ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर करा था, तो ये मेरे पास 2-3 दिन में डिलीवर हो गया था। एंड इसको ओपन करके देखते हैं इसके क्या क्या फीचर हैं, क्या क्या इसके प्रोज कॉन्स, जो भी चीज़ है आपको मैं आगे वीडियो में बताता हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो गाइस बॉक्स ओपन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या है बॉक्स में। G304 का मॉडल नंबर है, लाइट स्पीड है, बाकी बॉक्स में क्या क्या है मेरा एडवांस, इसमें हीरो टेक्नोलॉजी इनकी यूज हुई है लॉजिटेक की। इसको ओपन करते हैं, अंदर देखते हैं हमारे को बॉक्स में क्या क्या मिलता है। केस है नॉर्मल बॉक्स में, नॉर्मल स्मॉल मैनुअल स्टिकर, लॉजिस्टिक स्टिकर डिटेल, माउस बहुत ही लाइट वेट है, क्लिक्स बहुत ही स्मूथ हैं इसके। ये इसका पीछे बटन है ऑन ऑफ का, एंड प्रीटी गुड। इसमें ट्रिपल ए बैटरी डलती है, तो इसमें ट्रिपल ए बैटरी भी साथ में आपको मिली है। एंड दिस इज द एक्सटेंशन वायर, एक्सटेंशन वायर आपकी, इट्स क्वाइट लॉन्ग, इट्स आई गेस ये 1 मीटर लॉन्ग है आपकी एक्सटेंशन वायर। और एक्सटेंशन वायर पे आप इसका जो अडेप्टर होता है वो आपको प्लग करना होगा। इसको ओपन करते हैं, मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ। इसमें यहाँ पे आपकी बैटरी चल जाती है, जैसे ट्रिपल ए बैटरी है, सो इट विल गो लाइक दिस, and this is the adapter। इसको यहाँ से आराम से निकाल लेते हैं। तो ये मेरा adapter है, ये मेरा माउस अब फिट हो चुका है, तो इसको मैं इसको back in कर देता हूँ। तो you can see पूरे माउस में कहीं पे भी कोई RGB लाइटिंग नहीं है, गेमिंग माउस होने के बावजूद। आई कैन अंडरस्टैंड दैट कि उसका एक बहुत ही बड़ा रीज़न ये है क्योंकि ये वायरलेस माउस है, और वायरलेस माउस में अगर पावर आप कंजम्पशन RGB लाइटिंग को देते हो तो इसकी जो ओवरऑल लाइफ है बैटरीज की वो काफ़ी कम हो जाती है। वैसे इसकी जो ओवरऑल बैटरी की लाइफ है, मैंने काफ़ी सारे फोरम्स में पढ़ा था, तो यूजुअली अगर आप बहुत हैवी गेमिंग करते हो, रेगुलर यूज़ करते हो, तो वो आपकी कम से कम भी 2 महीने आराम से लास्ट करेगी बैटरी इसकी ट्रिपल ए वाली। एंड इसमें सिर्फ एक ही RGB लाइटिंग है वो जो यहाँ पे है, और ये आपका जो DPI है उसके अकॉर्डिंगली चेंज होती है।
तो आपको मैं आगे भी डाल दूंगा कि आपके आपके लेफ्ट में या राइट में आपको दिख जाएगा कि ये जो आरजीबी लाइटिंग है कौन से कलर की पे आप कितने डीपीआई पे होते हो। ठीक है, ये इसका एडेप्टर है, इस एडेप्टर के थ्रू ये कनेक्ट होगा और ये इसका एक एक्सटेंशन दे रखा है जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो मैं इसको एक्सटेंशन से यूज़ करूँगा और इसको मैं अपने जहाँ पे मेरा कीबोर्ड है उसके पास ही रखूँगा, बिकॉज अगर आप इसको पीसी के बैक साइड पे लगा देते हो तो समटाइम्स दिक्कत आती है आपको, जिससे आप माउस को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाते और माउस अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाता इस डिवाइस से। तो इसको कनेक्ट करते हैं, फिर आपको मैं इसकी परफॉर्मेंस दिखाता हूँ कैसी परफॉर्मेंस है इसकी। हेलो गाइस, चलो अब जैसे हमने इसको सेटअप कर दिया है, अब इसमें सबसे पहले ये मेरा पुराना एक गेमिंग माउस था जो ज़ेब्रोनिक्स का था, बहुत ही चीप माउस था बट काफ़ी सही काम करता था ये भी, एंड इट्स बीन मोर देन आई वुड से 2 ईयर्स इसको यूज़ करते करते। अब जाके इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई है, एज दिस इज़ फाइन। तो एक बार इसको ट्राई करते हैं, इसको भी देखते हैं एक बारी, दोनों का कोई कंपैरिजन है नहीं वैसे बट स्टिल जस्ट हम कर रहे हैं इसको, तो इसको करके देखते हैं। और सबसे पहला जो हमारा टेस्ट होगा वो क्लिक का होगा कि पर सेकंड में हम कितने क्लिक कर सकते हैं, तो ये 5 सेकंड का टेस्ट होगा जिसमें आप मैक्सिमम क्लिक करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली आपको आपका CPS मिलेगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आई स्कोर्ड अराउंड 33 क्लिक्स, सो यू आर इन ऑक्टोबस, इट इज सेइंग मी ऑक्टोबस एंड 33 क्लिक्स एंड माय क्लिक पर सेकंड रेशियो इज अराउंड 6.6 क्लिक्स, सो दैट इज क्वाइट गुड आई वुड से कंसिडरिंग दिस माउस, क्योंकि आपका ये माउस सिर्फ 600 रुपीज़ के अराउंड का है और काफ़ी अच्छा वर्क करता है, वायर्ड है। तो अब चलो लॉजिटेक को कंपेयर करते हैं। अब लॉजिटेक को कंपेयर करते हैं, लेट्स सी इसमें हम कितने क्लिक कर सकते हैं 5 सेकंड में। सो ओह माय गुडनेस, दैट्स इंप्रेसिंग, 45 क्लिक्स इन 5 सेकंड एंड 9 क्लिक्स पर सेकंड, दैट इज़ इनसेन आई वुड से। सो ये क्लिक रेशियो इसका है, तो नो डाउट माउस बहुत बढ़िया है, क्लिक रेशियो से आपको पता लग ही गया होगा 9 क्लिक्स पर सेकंड दैट इज़ ह्यूज, और गेमिंग में तो ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस होगा, बाकी ऑल्दो आपको इतनी ज़रूरत कभी पड़ती नहीं गेमिंग में भी 9 क्लिक्स पर सेकेंड की, बट स्टिल दिस इज़ गुड। तो ये वेबसाइट है अपनी, ये बहुत बढ़िया वेबसाइट है, इस पर आप एक्यूरेसी चेक कर सकते हो माउस की। तो हम बैक आ गए हैं अपने ओल्ड वाइड माउस पे, चीप माउस पे, तो इसको हम एक बार टच करते हैं इसकी एक्यूरेसी क्या है एंड देन फिर इसको लॉजिटेक वाले को फिर से करेंगे। सो मैंने इसमें 98% एक्यूरेसी रही मेरी इस वाले माउस से, 85% टारगेट एफिशिएंसी थी, 52 हिट्स करे मैंने, 8 मिस थे ओनली और 1.7 क्लिक पर सेकंड था। तो ये भी काफ़ी इम्प्रेसिंग स्कोर था इस माउस के साथ भी, कब लॉजिटेक के साथ करते हैं फिर देखते हैं उसमें कितना स्कोर आता है। सो आप देख सकते हैं इसमें भी मेरे अप्रोक्स 98% एक्यूरेसी आई है, 42 क्लिक्स मैंने करे थे उसमें से एक गलत हुआ है ओनली,
काफ़ी सही है, मतलब इसकी भी एक्यूरेसी बहुत बढ़ी, जबकि मैं इसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ अभी, एंड उस वाले माउस को यूज़ करते हुए मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, इट्स बीन एज ए सेड मोर देन 2 ईयर्स नाउ, तो उसमें काफ़ी मेरा हाथ सेट है, इसको थोड़ा सा हाथ सेट होने में टाइम लगेगा, बट स्टिल 98% इज़ क्वाइट हाई एक्यूरेसी फॉर द फर्स्ट टाइम यूज़र। तो ये बहुत ही लाइट वेज, बहुत ही बढ़िया माउस है। इसमें DPI आप कंट्रोल कर सकते हैं इस बटन को दबा के, जो मिड में बटन है यहाँ पे, कलर लाइट इंडिकेटर है। इसमें साइड में 2 बटन्स और आते हैं आपके, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं बटन्स को, लाइक अभी ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे अगर मेरे को बैक जाना है तो आई जस्ट नीड टू क्लिक दिस बटन, अगर फॉरवर्ड जाना है तो आई जस्ट नीड टू क्लिक दिस बटन। तो ये बहुत ही स्मूथ बटन है साइड वाले भी। इसके नीचे जैसे मैंने आपको बताया था कि एक ये बटन है आपका ऑन ऑफ वाला, पार्ट ऑफ दैट बहुत ही बढ़िया माउस है लगा मेरे को ये, थोड़ा सा हाइयर साइड जैसे मैंने आपको पहले बोला था, बट आई बेट यू कि अगर आप इसको खरीद लोगे तो आप इसको बिल्कुल रिग्रेट नहीं करोगे, बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलने वाली चीज़ है ये। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और जो बेल वाला आइकन आएगा आपके पास उसे ज़रूर दबाइए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो पे, स्टिक अराउंड।